तो भाई मैं जो हूँ आज हम लोग ऐसा आज तो एक तो ऐसा हुआ कि फरिया गिर गई है, चोट लग गई फरिया के सर पे। हाँ, करके गिरी है बेड पे से। और इसका सर जो था ना वो सुन हो गया, वाकई में सुन हो गया, रोने लगी बेचारी। फिर हमने इसके सर पर दबाया, आज थोड़ी देर सोई, अभी उठी तो थोड़ा इसको सिरप भी पिलाया, अब ये थोड़ा फ्रेश हो गई है ना। और बारिश ने क्या कर दिया था, बारिश ने तो इतनी गंदगी की है कि मैं बता नहीं सकता। बारिश ने बहुत हमारा नुकसान करा, बारिश ऐसी हुई है सबको पता है कि कैसी हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उससे जो हाँ हुई वैसे हर जगह पर है। हाँ, वैसे मुझे तो कंफर्म है। और जो बारिश हुई है, जब मैं आया हूँ छत पे, मैंने देखा तो पूरी छत पे पानी भरा हुआ, हमारी पूरी छत पे। आप सोच सकते हैं हमारी कितनी बड़ी छत। फिर पूरी छत पे हमने पानी जो ना वो पाइप वगैरह जो इनको साफ करा। हाँ? और पानी निकलना शुरू हुआ। सबसे ज्यादा गंदा की तो डफ के केज में से इतनी बदबू आ रही है, और हमारी फिल्टर के केज में तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। फिर हमने क्या करा, जब इनकी सफाई कर ली तो फिर यहाँ से पानी निकला, मगर हमारा नुकसान उस वक्त तक हो चुका था, पूरा हो चुका। और जो नुकसान है वो मैं अभी आपको बताऊं। चलो आओ, नुकसान तो चलो कहो। सब में पानी भर गया था, सब में अंदर चला गया था पानी, यहाँ पे अंदर पूरा भर गया था, इधर भी अंदर। और हमारा जो नुकसान हुआ है ना, ये हुआ एक तो के हमारे ये फिंचिस के बच्चे थे छोटे छोटे, और ये उस वाले केज में बाबा इधर भी है ना, वो रहा कोने में, ये वो तो जिंदा है। ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये इन्होंने मटकियों से बाहर आ गए, और ये अभी दो बैठे हुए, तीन बैठे हुए ही है। तो ये मटकियों से बाहर आ गए थे, अब जब पानी भरा ना तो इन्होंने तो खैर सरवाइव कर लिया, मगर जो हमारे डब के केज में चले गए थे ना बच्चे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। और वो रहा एक बच्चा और मरा हुआ, और उस तरफ एक बच्चा हमारा बेचारा मर गया है, ये इधर वो रहा कोने में पड़ा हुआ। अब उसको मसला ये कि निकाले कैसे, क्योंकि सारा ये इसके अंदर डब भी है और फिंचिस भी, तो बड़ा खतरनाक है इसको निकालना। ये हमारे दो बच्चे मरे हमारे डब फिंचों के, और डब तो हमारी माशाल्लाह सही है। ये इसका बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये निकल गया, और बाकी हमारे ये लवबर्ड में भी पानी भर गया था अच्छा खासा, अभी भी हल्का हल्का गीला हो रहा है। अब पहली जब बारिश हुई ना तो हमने इसको साफ कर दिया, खैर वो फिर जब दूसरी बारिश हुई तो फिर जो सुबह में उसने तो भैया तहलका मचा दिया ना। और इसमें भी सब जगह पानी भर गया था, हमारे ये जो मुर्गियां हैं इनके भी तमाम केजेस में पानी भर गया था, और सबसे ज़्यादा जो पानी भरा था ना वो कोने वाले केज में भर गया था। अब मैंने नीचे आने के इसके सीमेंट लगा दिया था, मगर फिर भी वो बारिश इतनी तेज थी कि वो वहाँ पे जब जमा हो गया पानी और नाली में जा नहीं रहा था, तो उससे क्या हुआ कि वो अंदर चला गया, और हमारी मुर्गियाँ बेचारी बहुत डिस्टर्ब हुई, और अभी इनकी गंदगी भी हो रही है बहुत इनके केजेस में, बहुत ज़्यादा फरिया को भी बदबू आ रही है। तो बारिश ने जब मुर्गियों ने रात गुजारी है बेचारियों ने, जिस तरीके से फिर हमने सुबह इनको थोड़ा सा पानी जो निकाल सकते थे निकाला, और नालियों को हमने ये जो नाली है हमारी सामने जैसे इसको साफ़ करा, तो पानी इसमें से ये जो यहाँ खड़ा हुआ था सारा पानी सब वहाँ गया, और जो यहीं खड़ा हुआ था पानी वही केजेस में चला गया था। तो खैर हमारा दो दिन बहुत इसके ऊपर मेहनत भी हुई और हमारा नुकसान भी हुआ, कि हमारी फिंचिस भी मर गई, इस भी मर गई कुछ, और हमारी मुर्गियाँ भी बेचारी डिस्टर्ब हो गई, और ये कुछ अब सुस्त भी होने लगी हैं। अब इनको दवा वगैरह दे रहे हैं और इनके केजेस की सफाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, है क्या सोच रही हो? तो अब हम इनकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह, और आप भी दुआ करें कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो सही रहें, और बाकी जो हमारे परिंदे हैं ये भी सब सही रहें। तो आज तक का व्लॉग अभी बस मुख्तसर सा जीप रखते हैं, जीप मेरा बेटा चले चल रहे हैं।
तो आज का व्लॉग मुख्तसर सा ही रखते हैं। तो जो है आज का व्लॉग कहीं का सारा व्लॉग हो गया, ये पे खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। अगले व्लॉग तक नहीं, मुझे ज्यादा तक नहीं। अल्लाह हाफिज़।